पुलिस आ चुकी है यहाँ पर। आतिशबाजी करने से अच्छा है और घर में केक काटने से अच्छा है तो किसी गरीब की हेल्प करनी चाहिए। अभी कितनी सर्दियाँ आ चुकी हैं, ये देखें, ये बाहर ऐसे ही सो रहे हैं। अगर हम इनकी हेल्प कर दें तो यही हमारे लिए न्यू ईयर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। 2023 का आज का हमारा लास्ट व्लॉग है ये। इंशाल्लाह आज रात को 12 बजे के बाद 2024 में हम इंटर हो जाएंगे। और ये साल बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लेके नहीं जा रहा, सिर्फ देके जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 भी हमारा ऐसे ही गुजरेगा बहुत अच्छा। अल्लाह पाक की नेमतों का कैसे शुक्र अदा किया जाता है, 2023 मुझे ये सिखा के जा रहा है कि जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें, जो आपके पास नहीं है उस पर सब्र करें। तो 2023 मुझे ये सिखा के जा रहा है। तो रात 12 बजे के बाद हम 2024 में इंटर हो जाएंगे और 2023 को हम करते हैं अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा ये लास्ट व्लॉग है 2023 का, उसके बाद हम 2024 में इंटर हो जाएंगे। अगर बात की जाए हैदराबाद के मौसम की तो हैदराबाद का मौसम बिल्कुल फीका फीका मौसम है। ये दिसंबर भी हो गया और सर्दियां पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है। अभी उम्मीद ये करते हैं कि जनवरी फरवरी में थोड़ी सी ठंड आ जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आने वाले साल में हमें 20,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करने, तो स्टार्टिंग में आपको कंप्लीट करने 20,000 सब्सक्राइब और 2024 के एंड में आपको 1 मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट कराने हैं। तो ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी है। आपको मैंने बोला कि 1,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने हैं तो आपने वो भी कर दिए। मैंने आपको बोला कि वॉच टाइम कंप्लीट करना है 4,000, तो आपने मेरे वो भी करा दिए। आपको फिर मैंने बोला कि चैनल को मोनिटाइज कराना है तो आपने वो भी करा दिया। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2024 के स्टार्टिंग में 20,000 सब्सक्राइब चाहिए और एंड में 1 मिलियन सब्सक्राइब चाहिए। और हमारे ये छोटे सब्सक्राइबर यहाँ पर आए, ये सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। बसंत का मौसम आ चुका है तो सारे बच्चे यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं। ये छुप रहा है अभी, देखे भाग रहा है। अभी मगरिब की आज़ान आ रही है तो हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। आज का दिन तो कह रहा है कि मस्जिद से निकले ही ना, आज का दिन तो दिल कह रहा है कि मस्जिद से निकले ही ना और नए साल का स्टार्टिंग भी वहाँ पर ही करें। लोग तो पता नहीं अभी ये क्या क्या तैयारियाँ कर रहे होंगे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे नए साल में। मेरा दिल कह रहा है कि बस मस्जिद में बैठा रहे, आज़ान आ रही है तो चलते हैं नमाज़ पढ़ने। सुबह मैंने आपको बोला कि हैदराबाद में मौसम सही नहीं है तो अभी रात के 11 बज रहे हैं, इतनी ठंड हो गई है मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे ये हाथ देखें, ये बिल्कुल लाल लाल हो गए। तो भी हम यहाँ पर आए सूप लेने के लिए, गरम गरम सूप यहाँ पर हम पियेंगे। अभी टाइम 11:30 बज रहे हैं, आधा घंटा है, 2024 में हम दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आधा घंटा है, आने वाला साल सबको मुबारक करे। 2023 भी हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई भी शिकवा नहीं, कोई भी गिला नहीं। पुलिस आ चुकी है यहाँ पर। सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। 2024 में हम इंटर हो चुके हैं। आतिशबाजी गवर्नमेंट की तरफ से बैन है तो इस वजह से मैंने भी आपको दिखाया नहीं है। और फ़लस्तीन की वजह से न्यू ईयर को हम सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे और मैं सेलिब्रेट करूँगा अपने स्टाइल में इंशाल्लाह। कल मैं आपको दिखाऊंगा, इंशाल्लाह कल मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे करता हूँ। कहने कहने हलो हलो ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल दिखाऊंगा कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे करता हूँ। मैं अपने स्टाइल में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि न्यू ईयर सेलिब्रेट कैसे करते हैं। आतिशबाजी करने से अच्छा है और घर में केक काटने से अच्छा है तो किसी गरीब की हेल्प करनी चाहिए। अभी कितनी सर्दियां आ चुकी हैं, ये देखें, ये बाहर ऐसे ही सो रहे हैं। अगर हम इनकी हेल्प कर दें तो यही हमारे लिए न्यू ईयर है। तो इंशाल्लाह मैं अपने स्टाइल में कल आपको दिखाऊंगा कि न्यू ईयर को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है।
तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे इस अपनेपन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। तो सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال من هو في ضلال صدقت يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا الله يا رحمن يا رحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرد وقنا عذاب